अब गंभीर मरीजों को महानगरों की तरफ भागने की जरूरत नहीं, छतरपुर में आ गया है संजीवनी का भरोसा। संजीवनी आईसीयू एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पन्ना रोड, छतरपुर। मंगलवार की दोपहर छतरपुर के चौबेतराह पर अपनी बच्ची के साथ खड़ी एक महिला को लापरवाह ट्रक चालक ने रौंद दिया। दुर्घटना में महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई है। मौके से गुजर रहे कलेक्टर ने तत्काल महिला को अस्पताल पहुंचाकर इलाज की व्यवस्था कराई। वहीं यातायात पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक 25 वर्षीय आरती यादव निवासी खुड़न थाना कुड़ीला जिला टीकमगढ़ शहर के चौबीतराह पर अपनी बच्ची के साथ खड़ी थी। तभी पन्ना रोड से आ रहे एक ट्रक चालक गफूर शाह ने तेज और लापरवाही से ट्रक चलाते हुए आरती को कुचल दिया। ट्रक का एक पहिया आरती के हाथ और पैर के ऊपर से निकल गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। इस बीच कलेक्टर संदीप जी आर घटनास्थल से गुजरे और उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन लगाकर पुलिस, एम्बुलेंस और यातायात प्रभारी को मौके पर बुलाया। एम्बुलेंस से महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। वहीं यातायात पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि छतरपुर में सीमेंट खाली करने के बाद ट्रक वापस सागर जा रहा था, उसी दौरान ये घटना घटी है। अभी चौबीस गड्ढा पर एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय के सामने ही ये ऐसी घटना हुई है। मुझे भी तत्काल फ़ोन किया तो मैं जिला चिकित्सालय में था, तो मैंने एम्बुलेंस को तत्काल स्पॉट पर भेजा। मैं भी स्वयं गया और दो ड्रेसर को ले गया। चूँकि महिला की स्थिति गंभीर थी, मैंने तुरंत वहाँ पर बैंडेज और स्ट्रेचर पर उसको लेकर के वो तो स्वयं यहाँ जिला चिकित्सालय आया है। ये महिला आरती पति मिलन यादव और टीकमगढ़ कुड़ीला थाने के अंतर्गत खुड़न गांव की मतलब बताई जा रही है, वो बता रही है, अभी बात कर रही है। और उसको काफ़ी गंभीर चोट है दाहिने पैर में और बाएं पैर में और तथा दाहिने हाथ में भी चोट है। अभी ऐसा बताया कि किसी मोटरसाइकिल वाले से उसने लिफ्ट मांगी थी बस स्टैंड छतरपुर से चौबीस गड्ढा के लिए। तो जो आदमी जिसकी मोटरसाइकिल पर बैठी थी उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी वो ओटी में है, उसका उपचार जारी है। हमारे दोनों सर्जन हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, एनेस्थेसिया वाले हैं, मैं स्वयं वहाँ पे देख रहा हूँ। घायल अभी वो स्वयं महिला भी घायल है और पता चला कि जो जिस व्यक्ति ने लिफ्ट दी थी उसको भी घायल हुआ है।